कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ आज डायमंड कॉमिक से, जिस कॉमिक का नाम है श्रीमती जी। और श्रीमती जी डायमंड कॉमिक में एक फेमस कैरेक्टर है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो हमारी पहली कॉमिक है जिसका नाम है शादी। शीला, मेरी समझ में नहीं आता ईश्वर ने औरत को सुंदर क्यों बनाया और मूर्ख क्यों बनाया। अगर औरतें सुंदर ना होती तो तुम मर्द हमसे शादी क्यों करते, और अगर मूर्ख ना होती तो तुम जैसे मर्दों से शादी क्यों करती। वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करती, वह तो मेरी माँ और तुम्हारी सासू दोनों दोस्त थी, इसीलिए हमारा रिश्ता हो गया। यानी दो सहेलियों की गलती की सजा हमें मिली। मेरे पिताजी तो मेरी शादी तुमसे नहीं कराना चाहते थे, वह तो मेरी शादी किसी कलाकार से कराना चाहते थे क्योंकि वह भी एक मशहूर डांसर थे। वह तो होंगे ही, मेरी सास उन्हें उंगलियों पर जो नचाती हैं। हा हा हा। बहू और सेवा। दमयंती, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, जब मैं बहू थी तो मेरी सास मुझे सताती थी, अब मेरी बहू मुझे सताती है। श्यामली बहन, उदास क्यों हो? शीला, पति की मृत्यु के बाद बेटे की शादी की थी, सोचा बहू सेवा करेगी, लेकिन वह तो मेरे बेटे को भी ले गई। ओह। मनोरमा जी, बहू के होते हुए आप खाना पका रही हैं, उसके लिए भी मुझे ही रोटियां बेलनी पड़ती हैं, हमारी मॉडर्न बहू को कुकिंग नहीं आती। ओफो, मैं सब्जी ले आई। शीला, कुछ सालों में बेटे शीनू की शादी कर देंगे, बहू हमारी सेवा किया करेगी। भूल जाओ, आजकल सेवा होती नहीं, सेवा करनी पड़ती है। हा सोने की चमक। शीला, मैं ज्वेलर के यहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलोगी? रामी, आजकल सोने का भाव उछाल पर है, इस वक्त सोना खरीदना महंगा है। मेरी बहन की शादी है, मुझे ज्वेलरी खरीदना जरूरी है। अच्छा, बाय। शीला चलती तो अच्छा रहता। शाम को, मैंने गोल्ड के 4 सेट खरीदे हैं, अगर तुम कुछ दिन रुक जाती तो तुम्हें काफ़ी रुपए बच जाते। मुझे जेवर खरीदने पर इस इनामी कूपन मिला है, यह सब झूठे प्रलोभन हैं। अच्छा, चलती हूँ और कुछ दिनों बाद चलो कहीं घूमने चला जाए। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। रामी, नई कार? यह कार मुझे इनामी कूपन से मिली है। हा हा हा। रिजर्वेशन। ठीक है, हम पहुँच जाएंगे। शीला, किसका फोन आया? कल मेरी बहन की सगाई हो रही है, माँ ने हमें बुलाया है। मैं रेलवे टिकट की रिजर्वेशन कराकर आता हूँ। मैं रेलवे टिकट रिजर्व करवा आया हूँ। माँ का फिर फोन आया था, लड़के वाले कल के बजाय परसों आएंगे। टिकट कैंसिल करवा कर परसों की रिजर्वेशन करवा आता हूँ। दोबारा रिजर्वेशन हो गई, कैंसिलेशन के 400 रुपये कट गए। लड़के की बुआ एक दिन बाद पहुंचेंगी, सगाई एक दिन बाद रखी है। ओह, फिर से कैंसिलेशन, अब अगले दिन का रिजर्वेशन करवाना होगा। कैंसिलेशन के 400 रुपये फिर कट गए। तुम्हें फिर जाना होगा, पंडित जी ने कहा है सगाई का मुहूर्त शनिवार का है, अब शनिवार का रिजर्वेशन कराना होगा। किशोर, लड़के के दादाजी बीमार हो गए हैं, सगाई 1 महीने के लिए टल गई है। ओफो, 400 रुपये और कटेंगे। सगाई की खबर ने 1600 रुपये का नुकसान कर दिया, सगाई में न जाने क्या होगा। बीजी श्रीमती। शीला, मैं आ गया। किशोर, थैले में क्या है? ऊन। यह किस लिए? सर्दियां आने वाली हैं, तुम मेरे लिए स्वेटर तैयार कर दो। किशोर, तुम ऊन के बजाय तैयार रेडीमेड स्वेटर खरीद लाते तो अच्छा था, लेकिन हर साल तो तुम मेरे लिए अपने हाथ से स्वेटर बुनती थी। हाँ, लेकिन पहले बात और थी, तब मेरे पास फ्री टाइम होता था। क्यों, क्या तुम ऑफिस जाती हो जो तुम पर फ्री नहीं रहती? आजकल तुम खाली टाइम में करती क्या हो? मुझे अपने फेवरेट टीवी सीरियल देखने होते हैं। हा हा हा। मौन व्रत। मौन व्रत के लाभ। यह अच्छी किताब है, मैं भी मौन व्रत रख कर देखती हूँ। शीला, यह राहुल है, मेरे मोटापे से इसे कोई ऐतराज नहीं, हम दोनों शादी कर रहे हैं।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी शादी से खुश नहीं हुई। चलो यहाँ से। शीला, किटी पार्टी में सब मेंबर ने फैसला किया है, इस बार किटी तुम्हारे घर में होगी। तुम चुप बैठी हो, लगता है इस बात से खुशी नहीं हुई, तुम्हें किटी से निकाला जाता है। हाँ, वो तो चुप ही है। तभी, शीला चलो चाइना बाजार सेल लगी है, वहाँ हर माल 65 रुपए में मिल रहा है। मैं बोले जा रही हूँ और वह खामोश है, यह मेरी तौहीन है। और फिर, शीला काफी अरसे बाद तुम्हारे यहाँ आना हुआ, आज हम दोनों बैठकर ढेर सारी गप्पे मारेंगी। मैं तुमसे बातें करने आई हूँ और तुम कोई जवाब नहीं दे रही, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ओह, अगर मैंने मौन व्रत नहीं तोड़ा तो बची खुची मित्रों को भी खो बैठूंगी। सुंदरता, कांता तुम उदास दिखाई दे रही हो। शीला मेरे प्रति बेवफा हो गए हैं। वह कैसे? आजकल वो मुझमें दिलचस्पी नहीं लेते, वह दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होते हैं, मेरे आगे दूसरी औरतों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरा किशोर मेरे प्रति वफादार है, वह तो हमेशा यही कहता है कि सारी दुनिया की औरतों में मैं ही उसे सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। वह तो ऐसा कहेगा ही, उसे नज़र का चश्मा जो लगा है। मार्केटिंग, किशोर महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से पूरे घर का खर्च नहीं चलता, मैं भी कोई रोजगार करना चाहती हूँ। एक वॉशिंग मशीन पाउडर को डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए वुमेन चाहिए, मैं चलती हूँ, मैं यह मौका खोना नहीं चाहती। देखिए, आप हमारे चमको पाउडर की जितनी ज़्यादा सेल करेंगी उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। मैं समझ गई, यह देखिए नया डिटर्जेंट चमको। अरे, यह नया झाग वाला चमको पाउडर। और फिर दूसरे दूध से सफ़ेद कपड़े धोने वाला पाउडर, नया चमको पाउडर। और फिर वह शाम को लौट आई। कितने पैकेट बिके? एक भी नहीं। सभी ने कहा कि जब तक कोई क्रिकेटर इस वॉशिंग मशीन से धुली कमीज पहनकर मॉडलिंग नहीं करता, तब तक वह कैसे समझें कि यह अच्छा प्रोडक्ट है। लेटर्स, शीला इतने सारे खत, ये किसके हैं? हाउ एक्साइटिंग, यह सब तुम्हारे प्रेम पत्र होंगे जिन्हें किसी जमाने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें भेजा होगा। आज फुर्सत में इन्हें फिर से पढ़कर तुम भूली बिसरी यादें ताजा कर रही हो। शीला, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे प्रेमी तुम्हें ढेर सारे खत लिखकर अपने प्रेम का इजहार करता था। गोगी, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो तुम कर रही हो, शादीशुदा होते हुए पूर्व प्रेमी के पत्र संभाले हो, क्या यह तुम्हें अपने पति के प्रति बेवफाई नहीं? तुम्हें तो पहले ही इन खतों को जला देना चाहिए था। अगर यह पत्र किशोर के हाथ लग गए तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम काफ़ी कुछ कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। मैं एक दैनिक अखबार में युवा स्तंभ में युवक युवतियों के सवालों के जवाब देती हूँ। यह खत उन्हीं पाठकों ने मुझे भेजे हैं। ओह, गलत समझ लिया। छपा गोगी, हमारी पिचकारी में रंग खत्म हो गया है, लेकिन रामी, होली तो अभी खत्म नहीं हुई। मिल गया। देखो, शीला ने पार्टी में रंग घोल रखा है, तुम उसे टेलीफोन करो, जब वह फोन सुनने अंदर जाएगी पीछे से मैं उसके रंग की बाल्टी गायब कर दूंगी। मैं उसके फोन का नंबर मिलाती हूँ। ट्रिन ट्रिन, ओ वो तो अंदर गई, अब यह रंग मेरा है। और तभी छपाक, टेलीफोन सुनने के लिए किशोर अंदर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।